इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एक्टिविटी के ऊपर जो कि हमको टीसीपी स्टॉप एंड वेट और गो बैक एन से इंट्रोड्यूस कराता है तो चलिए एक एक करके ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन है कैन यू एक्सप्लेन व्हाई सम ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट्स में बी लॉस्ट ऑन द इंटरनेट तो इसका एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि आप अगर ये हो और ये आपका जो डेस्टिनेशन है बीच में बहुत सारे राउटर्स हो सकते हैं जो कि पैकेट्स को राउट करेंगे फॉरवर्ड ये इसको फॉरवर्ड करेगा ये इसको फॉरवर्ड करेगा फिर एंड में जाकर डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों ये और ये बस ये राउटर्स को यूज़ कर रहे हैं बाकी बहुत सारे लोग भी इंटरनेट पे इन राउटर्स को यूज़ करते होंगे उनके पैकेट्स को राउट करने के लिए और आपने भी अगर बहुत ज़्यादा डेटा भेज दिया और नहीं तो फिर बाकी के लोग भी अगर बहुत ज़्यादा इन राउटर्स को यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो सकता है कि ये राउटर्स में जो बफर्स हैं ना जो कि डेटा को थोड़ी देर के लिए पास में रखते हैं फिर देखते हैं कि पैकेट को किस डायरेक्शन में फॉरवर्ड करना है तो कुछ टाइम के लिए पैकेट्स को बफर में स्टोर करके रखना होता है अगर वो बफर्स फिल्ड अप हो जाते हैं अगर वो भर जाता है तो फिर डेटा ड्रॉप होना शुरू होगा तो उस कारण से इंटरनेट पे पैकेट्स गुम हो सकते हैं, वो लॉस्ट हो सकते हैं कैन यू एक्सप्लेन वाई ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट में बी डुप्लीकेटेड तो डुप्लीकेट पैकेट क्यों आ सकते हैं अगर आपने मेरा स्टॉप एंड वेट या फिर नहीं तो गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट के वीडियोस देखे हैं तो उन सब में एक टाइमर होता है जो सेंडर होता है और यहां पे जो रिसीवर होता है अगर सेंडर ने रिसीवर को एक पैकेट भेजा अगर वो पैकेट रिसीवर के पास जाके पहुंचा और रिसीवर से जो अक्नॉलेजमेंट है ये अगर मान लीजिए गुम हो गया ये अगर लॉस्ट हो गया बीच में तो सेंडर को क्या लगेगा कि उसका जो पैकेट है वो रिसीवर के पास शायद जाके नहीं पहुंचा है तो सेंडर क्या करेगा फिर से कुछ टाइम के बाद वो टाइमर टाइम आउट होने के बाद वो पैकेट को फिर से भेजने की कोशिश करेगा लेकिन रिसीवर को तो वो पहला वाला पैकेट ही मिल गया था दूसरी बार जो पैकेट मिलेगा सेम पैकेट तो रिसीवर को लगेगा कि ये सेंडर मुझे डुप्लीकेट पैकेट क्यों भेज रहा है तो कोई अच्छा सा प्रोटोकॉल अगर है जो कि रिलायबल है जैसे कि टीसीपी और ये गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट स्टॉप एंड वेट ये सारे ये क्या करेंगे वो डुप्लीकेट पैकेट जो सेकेंड वाला पैकेट आया है उसको वो फेंक देंगे उसको वो ड्रॉप कर देंगे तो इस कारण से पैकेट डुप्लीकेट हो सकते हैं अगर उनका एक्नोलिजमेंट ड्रॉप हो गया तो सेंडर को लगेगा कि अरे जो पहला वाला ओरिजिनल पैकेट था वो कहीं गुम तो नहीं हो गया तो चलो मैं फिर से भेज देता हूं अगले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सीक्वेंस नंबर्स होते हैं वो पैकेट के अंदर एक लिमिटेड साइज के अंदर रहते हैं कि मान लीजिए उनके लिए चार बिट्स दिए गए हैं या फिर आठ बिट्स दिए गए हैं तो वो जो होता है वो एम होता है एम नंबर ऑफ बिट्स आर यूज टू सिग्निफाई ए सीक्वेंस नंबर अगर एम बिट्स दिए गए तो हम उसको यूज़ करके एक टू टू दावर एम अलग अलग सीक्वेंस नंबर्स बना सकते हैं तो क्या होगा वो नंबर जीरो से लेके टू टू दावर एम माइनस वन तक चलेंगे जीरो से शुरू होगा 1, 2, ऐसे होते होते अगर M 4 है तो टू द इज सो नंबर्स विल गो फ्रॉम टू जीरोन होने के बाद वो फिर से वापस आएगा जीरो पे ऐसे वो गोल 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 घूमता रहेगा इसका मतलब जो कब ऐसा हो सकता है कि दो पैकेट्स के सीक्वेंस नंबर्स सेम हो सकते हैं हो सकते हैं मतलब एक का सीक्वेंस मतलब चौदह है फोर्टीन है तो उसका नेक्स्ट वाला फिफ्टीन होगा फिर वो जीरो पे जाएगा फिर वन टू थ्री फोर होते होते नाइन टेन इलेवन 13, फिर से फोर्टीन एक पैकेट हो सकता है इन तो हम यही एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं एक पैकेट का नंबर मान लीजिए फोर्टीन है तो कितने पैकेट्स के बाद फिर से फोर्टीन आएगा तो चलो काउंट कर लेते हैं पंद्रह आएगा फिर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तो ये कितने पैकेट्स हो गए तो ये तेरह तक पंद्रह पैकेट्स उसके बाद फिर से फोर्टीन आता है तो पंद्रह क्या हो गया यहां पर एम हमने फोर लिया था तो पंद्रह क्या हो गया टू टू दावर फोर माइनस वन उसका जो जनरल आंसर होगा अगर हमने एम बिट्स लिए हैं सिक्वेंस नंबर के लिए इसका जो जनरल आंसर है वो है टू टू दावर एम माइनस वन डवर रैप अराउंड ऑफ सीक्वेंस नंबर क्रिएट अ प्रॉब्लम इन नेटवर्क हो सकता है अगर आप मेरे गो बैक एन नहीं तो सिलेक्टिव रिपीट के वीडियोज देखे हैं उसमें जो मैक्सिमम विंडो साइज हो सकता है ये जो गो बैक एन है अगर एम बिट्स यूज होते हैं सिक्वेंस नंबर के लिए तो गो बैक एन का जो मैक्सिमम सेंड विंडो का जो साइज हो सकता है वो हो सकता है टू टू दावर एम माइनस वन सिलेक्टिव रिपीट में वो होता है टू टू दावर एम माइनस वन है ना तो ये मैक्सिमम हो गया इससे अगर ज्यादा हम विंडो के साइज को लेते हैं तो क्या हो सकता है ऐसा हो सकता है कि आपने यहां पे मान लीजिए पैकेट नंबर जीरो को फिर से रीसेंड किया ये हो गया आपका सेंड विंडो यहां पे है रिसीव विंडो ठीक है और यहां पे जीरो वन टू थ्री फिर से जीरो तो क्या होगा ये रिसीवर ये जीरो को एक्सपेक्ट कर रहा है लेकिन आपने ये पुराने वाले जीरो को रीसेंड किया है तो ये जीरो जब जाएगा ये क्या करेगा रिसीवर यहां पे ये नए जीरो मान के उसको वो पुराने जीरो को वो ले लेगा इट विल थिंक एज इफ दिस जीरो पैकेट ज कमिंग फ्राम द सेंटर इज एक्चुअली प्रॉब्लम कभी कभी हो सकता है अगर आप ये मैक्सिम साइजेस है का, उसको अगर आप एक्सीड करेंगे और इसका अगर डिटेल एक्सप्लेनशन चाहिए तो आप मेरे गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट के वीडियो को देखेंगे वो तो क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये मैक्सिम विंडो साइजेस विंडो साइजेस को एक्सीड करने से ये वाला प्रॉब्लम जो है ये हो सकता है तो इससे क्या हो सकता है जो रेपिंग अराउंड हुआ है यहाँ पे जीरो है उसके बाद उस टाइम के बाद फिर से जीरो हो गया तो ये जो प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम एक्चुअली में नहीं है अगर आप मैक्सिमम विंडो साइजेस को एक्सीड करेंगे तो फिर ये एक प्रॉब्लम बन सकता है कैन यू एक्सप्लेन व्हाई सम ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट्स मे बी रिसीव्ड आउट ऑफ ऑर्डर ऑन द इंटरनेट तो इसका आंसर भी वही है कि यहाँ पे एक सेंडर है यहां पे एक रिसीवर है और बीच में क्या हो सकता है बहुत सारे routers हो सकते हैं तो चलो मान लो जो पहला पैकेट गया वो इस राउटर से इस राउटर के पास गया फिर इस राउटर ने क्या किया डायरेक्टली वो पैकेट को उसने इसको भेज दिया और फिर इसके पास गया मान लो दूसरा पैकेट जो गया वो यहां से यहां तक गया फिर यहां से यहां तक गया और यहां से लेके मान लो वो सीधा इधर आ गया तो पैकेट जो हो सकते हैं ना वो अलग अलग पार्थ ले सकते हैं वो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो ये जो राउटर ये हमेशा इसको देगा वो क्या करेगा टाइम टू टाइम देखेगा कि चलो ये वाले पाथ में कहीं कंजेशन तो नहीं हो गया जाम तो नहीं लग गया इस रास्ते पे तो चलो इसको दूसरे रास्ते से भेजते हैं तो लेकिन उन्होंने अच्छे मन से सोचा होगा कि चलो जल्दी से पहुंच जाएगा लेकिन कोई गारंटी नहीं है तो ऐसे क्या हो सकता है कि पैकेट नंबर टू जो है वो पहले आके रिसीवर के पास पहुंच जाए फिर पैकेट नंबर वन आके बाद में पहुंचे तो क्योंकि जो अलग अलग पैकेट्स हैं ये अलग अलग पाथ्स ले सकते हैं इंटरनेट पे तो ये आउट ऑफ ऑर्डर में जाके पहुंच सकते हैं क्योंकि इन पांच का जो टाइम है जितना टाइम लगता है पैकेट्स को इनमें के लिए, वो अलग-अलग हो सकते हैं स्टॉप एंड वेट जो होता है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने बिट्स यूज कर रहे हैं सिक्वेंस नंबर के लिए स्टॉप एंड वेट हमेशा उसका जो सेंड विंडो का साइज होता है वो होता है वन उसका रिसीव विंडो का साइज भी हमेशा सा वन होता है लेकिन गो बैक एन में क्या हो सकता है थर्टी वन तो ये मैक्सिमम सेंड विंडो का साइज हो सकता है गो बैक एन केस में रिसीव विंडो का साइज भी गो बैक एन के प्रोटोकॉल में हमेशा वन होता है वट आर द रेंजेस ऑफ पोर्ट नंबर इन वेल नोन रजिस्टर्ड एंड डायनामिक रेंजेस एज एलोकेटेड बाई आई कैन वाई इज दिस डिविजन मेड तो जो वेल नोन पोर्ट्स हैं वो जाते हैं जीरो से लेके वन जीरो टू थ्री तक और वो जो रजिस्टर्ड पोर्ट्स होते हैं वो जा सकते हैं वन जीरो टू फोर से लेके फोर नाइन वन फाइव वन तक उसके बाद में जो डायनामिक रेंज है वो है फोर नाइन वन फाइव टू से लेके सिक्स फाइव फाइव थ्री फाइव तक तो ये जो रेंजेस ऑफ पोर्ट्स हैं इनका मतलब क्या है ये वेल well नोन का क्या मतलब है कि ये सबको पता होना चाहिए कि एच पोर्ट नंबर 80 पे चलता है एस पोर्ट नंबर ट्वेंटी पे चलता है तो ये सबको पता है ठीक है ये चेंज नहीं होते अगर वो सर्वर चाहता है तो चेंज कर सकता है नहीं तो चेंज नहीं होते ये रजिस्टर्ड पोर्ट्स का क्या मतलब है ये थोड़ा सा लेस स्ट्रिक्ट है इतना स्ट्रिक्ट नहीं है मान लो माइक्रोसॉफ्ट ने कोई एक नया प्रोटोकॉल बनाया रिमोट डेस्कटॉप के लिए तो ये सबको पता है कि थ्री थ्री एट नाइन जो पोर्ट नंबर है यह रिमोट डेस्कटॉप के लिए यूज होता है लेकिन ये कोई इतना स्ट्रिक्ट नहीं है अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं और आपने अगर आपका एक ख़ुद का टी और यू प्रोग्राम बना दिया जो कि लैब में हम बनाते हैं उसको आप थ्री थ्री एट नाइन का पोर्ट दे सकते हैं कोई मना नहीं करेगा ठीक है इतना स्ट्रिक्ट नहीं है लेकिन जानकारी के लिए पब्लिक के इंफॉर्मेशन के लिए कोई एक कंपनी जाके बोल सकता है कि ये जो पोर्ट है ये जनरली पब्लिक में इससे पहले किसी ने यूज़ नहीं किया अपने प्रोग्राम्स के लिए तो मैं एक नया प्रोडक्ट बना रहा हूं एक नया सर्विस बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे जो सर्वर्स हैं वो इस पोर्ट पे चले तो ये रजिस्टर्ड पोर्ट्स होते हैं। जो डायनामिक रेंजेस होता है वो फ्री है कोई कुछ भी कर सकता है उनके साथ आप अगर एक क्लाइंट हो यहां पे एक सर्वर है एस वाला तो सर्वर तो पोर्ट नंबर 80 पे चलता है लेकिन आप जब एस रिक्वेस्ट भेजते हो तो आप तो यहां पे एक सोर्स पोर्ट बनाओगे ना तो आप मान लो उसका पोर्ट नंबर 50,000 ले लिया और यहां पे डेस्टिनेशन पोर्ट 80 डाल के सर्वर को भेज दिया सर्वर जब रेस्पॉन्ड करेगा तो उसका सोर्स पोर्ट 80 रहेगा डेस्टिनेशन पोर्ट रहेगा 50,000 तो ये एक डायनामिक पोर्ट हो गया इसको एफ पोर्ट भी बोलते हैं कि ये कांस्टेंट नहीं है वो सेम ब्राउजर यूज करके अगर आप ये वेबसाइट को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे मे बी उस टाइम क्लाइंट ले लेगा फिफ्टी 100 वाला पोर्ट में भी ले लेगा तो ये बार बार चेंज होता है लेकिन सर्वर जो है वो हमेशा वेल नोन पोर्ट नंबर 80 पे चलता रहेगा ए सेंडर सेंड्स ए सीरीज ऑफ पैकेट्स टू द सेम डेस्टिनेशन यूजिंग फाइव बिट सीक्वेंस नंबर्स इफ द सीक्वेंस नंबर्स स्टार्ट विथ जीरो व्हाट इज द सीक्वेंस नंबर ऑफ द हंड्रेड पैकेट तो फाइव बिट सीक्वेंस नंबर्स है मतलब हम बना सकते हैं टू टू दावर फाइव इक्वल टू थर्टी टू सीक्वेंस नंबर जो कि जीरो से थर्टी वन तक चलने वाला है सो स्टार्ट विथ जीरो फर्स्ट पैकेट है उसका सीक्वेंस नंबर जीरो है जो सेकेंड पैकेट होगा उसका सिक्वेंस नंबर वन होगा इसका मतलब है कि जो थर्टी सेकेंड वाला पैकेट है उसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा थर्टी वन ठीक है तो फिर जो सिक्सटी फोर्थ वाला पैकेट होगा उसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा वो भी थर्टी वन हो जाएगा क्योंकि थर्टी थ्री वाला फिर जीरो हो गया यहां पे मैं भी लिख देता हूं थर्टी थ्री वाला जो पैकेट है वो जीरो हो गया ऐसे रैप अराउंड करेगा अच्छा मैं फिर से थर्टी टू दोनों साइड जोड़ देता हूं तो जो नाइनटी सिक्स पैकेट होगा वो भी होगा सीक्वेंस नंबर थर्टी वन नाइनटी सेवन वाला पैकेट फिर से जीरो हो गया नाइन्टी एट वाला पैकेट वन नाइनटी नाइन वाला पैकेट टू फिर हंड्रेड पैकेट जो है उसका सिक्वेंस नंबर थ्री तो उसका आंसर हो गया थ्री इसमें बोला है कि क्रिएट अ स्टॉप एंड वेट सिनारियो वर्टिकल टाइम डायग्राम द द द सेंडर फर्स्ट एंड आर एंड देंडर द थर्ड पैकेट इज डिलेड एंड रीसेंट द डुप्लीकेट पैकेट इज आफ्टर द अक्नोलेजमेंट फॉर द ओरिजिनल इज सेंट तो इसमें यह बोल रहा है कि तीन पैकेट भेजने की कोशिश कर रहा है सेंडर स्टॉप एंड वेट यूज करके जो तीसरा पैकेट है वो जाके पहुंचता है रिसीवर के पास जो एक्नोलमेंट है वो ड्रॉप हो जाता है तो सेंडर क्या सोचता है कि चलो मेरा तीसरा पैकेट वहीं गुम तो नहीं हो गया तो फिर से भेज देता हूं ठीक है तो फिर रिसीवर वो पैकेट को लेता है और उसको अकनोलेज करता है और अक्नोलेजमेंट आके सेंडर के पास आके पहुंचता है तो चलो इसको ड्रॉ करके मैं दिखा देता हूं यहां पे स्टॉप एंड वेट में यहां पे है सेंडर यहां पे है रिसीवर यहां पे विंडो साइजेस बना देते हैं यहां पे सेंडिंग विंडो जो है वो उसको बनाएंगे हम जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन करके रखता हूं रिसीविंग साइड पे भी जीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन क्योंकि हमेशा जीरो और वन में अल्टरनेट होते रहते हैं अभी कोई डेटा सेंडर के पास है नहीं लेकिन सेंडर के पास अगर डेटा आ गया अगर ये पैकेट नंबर जीरो आके भर गया तो ये क्या करेगा जो आउटस्टैंडिंग पैकेट है वो है ये अभी इसने पैकेट नंबर जीरो को भेज दिया पैकेट नंबर जीरो मतलब एक पैकेट भेजा उसका सिक्वेंस नंबर जीरो है और ये रिसीवर के पास आके पहुंचा इसने क्या किया कि अभी इसको एक्सपेक्ट कर रहा है वो नेक्स्ट पैकेट एक्सपेक्टेड जीरो है तो जीरो उसको मिल गया तो उसका जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन है वो वन के पास आ गया तो उसने क्या किया एक्नोलेजमेंट में वन दिया कि मुझे वन चाहिए तो यहां पे क्या हुआ ये एक्नोलेज हो गया तो अभी ये पैकेट नंबर वन को भेज रहा है पैकेट नंबर वन यहां पे गया पैकेट नंबर वन रिसीवर को भी चाहिए तो वो क्या करेगा अपने एक्सपेक्टेशन को जीरो पे लेके आएगा ठीक है फिर वो क्या करेगा एक्नोलिजमेंट में एक जीरो भेजेगा फिर तीसरा पैकेट सेंडर भेजता है ये भेजेगा पैकेट नंबर जीरो अभी आउटस्टैंडिंग है क्योंकि जो वन है उसका एक्नोलिजमेंट आ गया है जीरो चाहिए अभी रिसीवर को तो ये एक जीरो भेजता है जीरो इसको मिल गया तो ये वन उसका नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन करके इसने भेजा लेकिन ये गुम हो गया दिस एक्नोलेजमेंट इज लॉस्ट तो यहां पे एक टाइमर शुरू किया होगा कोई भी पैकेट भेजने के टाइम जब एक्नोलिजमेंट आता है तो टाइमर को हम रीसेट कर देते हैं नया पैकेट भेजने के टाइम हम क्या करते हैं टाइमर को फिर से स्टार्ट करते हैं तो ये टाइमर कुछ टाइम के बाद ये एक्नोलेजमेंट जब आगे पहुंचेगा नहीं तो वो टाइम आउट हो जाएगा तो क्या करेगा सेंडर ये जो पैकेट नंबर जीरो है इसको वो रीसेंड करेगा इट विल ट्राई टू रीसेंड पैकेट नंबर जीरो तो रिसीवर बोलेगा मुझे पैकेट नंबर जीरो क्यों भेज रहे हो मेरा तो भी एक्सपेक्टेशन वन है ये तो डुप्लीकेट पैकेट ही होगा देखो मैं अपना एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं करने वाला मैं तो वन पे ही अटका हुआ हूं तो मुझे वन दो ये वन का एक्नोलिजमेंट देगा और ये फिर अभी आगे बढ़ेगा इसका टाइमर को वो रिसेट कर देगा फिर वो क्या करेगा ये वन भेजने की कोशिश करेगा बैंडविड्थ ऑफ ए लिंक इज 500 मेगाबिट्स पर सेकंड इन बोथ डिरेक्शन मतलब सेंडर से रिसीवर 500 हंड्रेड एमबीपीएस रिसीवर से सेंडर भी 500 हंड्रेड एमबीपीएस द साइज ऑफ ए पैकेट इज 100 बिट्स तो मैं इंपॉर्टेंट चीजों को यहां पे सर्कल कर देता हूं द साइज ऑफ एक्नोलॉजमेंट पैकेट इज 20 बिट्स द आरटीटी द राउंड ट्रिप टाइम मतलब सेंडर से रिसीवर जाने के लिए दस मिली फिर रिसीवर से सेंडर तक आने में टेन मिली सेकेंड दोनों को मिला के ट्वेंटी आता है एंड द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज यूज वट इज द मैक्सिमम लिंक यूटिलाइजेशन इन परसेंट तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बैंडवेट डिले प्रोडक्ट निकालेंगे तो स्टॉप एंड वेट में मैक्सिमम जो लिंक है यहां पे मैं बनाता हूं यह है सेंडर यह है रिसीवर सेंडर से रिसीवर जाने के लिए एक लिंक है ठीक है जिसका कि बैंडवेट है 500 हंड्रेड एम बी पी एस रिसीवर से सेंडर आने के लिए भी एक लिंक है जिसका कि बैंडविथ फिर से हो गया 500 हंड्रेड एम ठीक है तो ये जो लिंक है इस लिंक में कितना डेटा भर सकता है वो हो गया इस लिंक का बैंडविथ इंटू इस लिंक का डिले, डिले जो है इसका है 10 मिली सेकेंड यह है टेन मिली सेकेंड तो ऊपर वाले लिंक का बैंडवेट डिले प्रोडक्ट कितना है जो कि उस लिंक का वॉल्यूम देगा वो लिंक अगर बाल्टी होता है तो कितना पानी उसमें रहता तो ये वो लिंक का डेटा कैपेसिटी है तो मैक्सिमम कितना डेटा उसमें रह सकता है वो हो गया आपका बैंड्रेड जो कि फाइव हंड्रेड इंटू टेन टू द पावर सिक्स बी पी एस इंटू टेन इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री सेकेंड्स कितना आ गया इसका आंसर इसका आंसर है फाइव जीरो 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 बिट्स ठीक है अच्छा इतने बिट्स उस लिंक में रह सकते हैं सेंडर से रिसीवर के डायरेक्शन में अच्छा रिसीवर से सेंडर के डायरेक्शन में कितने बिट्स रह सकते हैं वो सेम है बैंडविड्थ है 500 सौ एमबीपीएस डी है 10 मिली सेकेंड तो वो भी हो गया फाइव जीरो 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 बिट्स तो, तो टोटल कितने बिट्स रह सकते हैं ये दोनों जो लिंक्स है उनमें वो हो गया इतने बिट्स वन जीरो 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 बिट्स इतने बिट्स रह सकते हैं लेकिन हमारा प्रोटोकॉल जो स्टॉप एंड वेट है वो कितना डेटा रख सकता है इन लिंक्स में ये एग्जांपल ये देख लो मैक्सिमम हमेशा एक ही पैकेट लिंक में रहता है ठीक है इधर वो एक डेटा पैकेट है नहीं तो वो एक एक्नोलमेंट पैकेट है कभी भी एक से ज्यादा डेटा पैकेट नहीं रह सकता कभी भी एक से ज्यादा जमेंट पैकेट नहीं रह सकता और कभी भी एक साथ एक डेटा पैकेट और एक पैकेट भी नहीं रह सकते तो लिंक लिंक में में यहां यहां से यहां तक एक डेटा पैकेट जा रहा है बस और में कुछ नहीं हो सकता ये ऊपर के लिंक में और एक डेटा पैकेट नहीं हो सकता और जब ये डेटा पैकेट है तो नीचे के लिंक में कोई अकनोलेजमेंट पैकेट भी रिसीवर से सेंडर नहीं आ रहा होगा और नहीं तो क्या हो सकता है दूसरे केस में यहां पर एक अकनोलजमेंट पैकेट इस डायरेक्शन में जा रहा है रिसीवर से सेंडर ऊपर के लिंक में कोई डेटा पैकेट उस टाइम पे नहीं हो सकता हमको निकालना है कि कितना है, का. कैसे निकालेंगे? तो हम डेटा पैकेट को लेंगे हम लेंगे डेटा पैकेट को क्यों क्योंकि उसका साइज ज्यादा है हमको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन निकालना है कि बाल्टी में तुम कितना ज्यादा पानी भर सकते हो इस प्रोटोकॉल के तहत ठीक है मतलब बाल्टी में तो पूरा भर सकता है लेकिन ये प्रोटोकॉल अलाउ नहीं करता ना ये बस एक ही पैकेट को मैक्सिमम रहने देता है लिंक के ऊपर तो हम कौन सा लेंगे बड़ा ग्लास लेंगे हंड्रेड बिट वाला पैकेट लेंगे क्योंकि वो यूटिलाइजेशन को ज्यादा करके दिखाएगा तो यूटिलाइजेशन कितना निकल के आ गया पैकेट का साइज कितना है हंड्रेड बिट्स हंड्रेड बिट है नीचे डिवाइड करेंगे पूरा लिंक का जो कैपेसिटी सेंडर से रिसीवर का रिसीवर से सेंडर तक जो कैपेसिटी है इस लिंक का इस लिंक का दोनों का जो कि है ये वाला नंबर वन जीरो 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 बिट्स और परसेंटेज में निकालना तो हम इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा इसका आंसर ये आ जाएगा जीरो परसेंट कितना कम यूटिलाइजेशन है लिंक्स पे हम कितना ज्यादा डेटा भर सकते हैं लेकिन हम भेज रहे हैं बस एक ही पैकेट तो इसीलिए ये यूटिलाइजेशन बहुत ही कम है इन द एवर केस इफ द गो बैक एंड प्रोटोकॉल इज यूज मतलब स्टॉप एंड वेट यूज नहीं करके हम गो बैक एन प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं वट शुड बी द मैक्सिमम सेंड विंडो साइज फॉर मैक्सिमम लिंक यूटिलाइजेशन वट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एम दैट यू मस्ट चूज इन दिस केस मतलब अगर गो बैक एम प्रोटोकॉल यूज हम करें तो मैक्सिमम लिंक यूटिलाइज करने के लिए सेंड विंडो का साइज कितना होना चाहिए तो चलो गो बैक एम प्रोटोकॉल में क्या होता है सेंड विंडो का साइज बड़ा हो सकता है रिसीव विंडो का साइज वन ही होता है और सेंड विंडो का जितना साइज है वो मैक्सिमम उतने पैकेट्स लिंक पे आउटस्टैंडिंग रख सकता है मतलब उतने पैकेट्स वो भेज देगा एक्नोलेजमेंट मिलने के पहले वो भेज सकता है मैक्सिमम सेंड विंडो जितना तो उसको क्या करना है इस केस में चलो फिर से मैं वो दो चीजें बनाता हूं यहाँ पे सेंडर है रिसीवर है ऊपर एक लिंक है जिसका कि डिले है टेन मिली सेकेंड बैंड फाइव हंड्रेड एम और रिसीवर से सेंडर तक भी और एक लिंक है जिसका कि बैंडवेट है 500 हंड्रेड डीले है टेन मिली सेकेंड्स अच्छा मुझे एक बात बताओ गो बैक एन में ये ऊपर वाला लिंक ज्यादा भरा रहेगा कि नीचे वाला लिंक ज्यादा भरा रहेगा ऊपर वाला लिंक सेंडर से रिसीवर तक है नीचे वाला लिंक रिसीवर से सेंडर तक है ऊपर वाले लिंक में डेटा पैकेट जा रहे हैं बहुत सारे पैकेट इसके अंदर रह सकते हैं नीचे वाले लिंक पे बस अकनोलेजमेंट आ सकते हैं और अकनोलेजमेंट के जो साइजेस होते हैं वो कम होता है और गो बैक एंड में बहुत सारे एक्नोलॉजमेंट्स आ सकते हैं मान लो तीन डेटा पैकेट जाके पहुंचे तो उसने क्या किया तीन एक्नोलॉजमेंट भेज दिया और वो एक्नोलॉजमेंट्स आ रहे हैं अभी सेंडर के पास आ रहे हैं लेकिन मैक्सिमम कितने एक्नोलॉजमेंट हो सकते हैं इससे ज्यादा नहीं हो सकते जितना डेटा पैकेट जा रहा है जिस गति से जिस रेट से डेटा पैकेट जा रहा है उस उतने ही तो एक्नोलॉजमेंट आएंगे लेकिन पैकेट्स पैकेट साइजेस होते, हैं, वो छोटे होते हैं। में हम डेटा देते हैं फाइव है? है, दिया है एक्नोलॉजमेंट में मतलब पैकेट नंबर फोर तक सब कुछ पहुंच गया है रिसीवर के पास अब नेक्स्ट पैकेट एक्सपेक्टेड है फाइव तो वो बहुत कम इंफॉर्मेशन है तो एक्नोलेजमेंट पैकेट छोटे होते हैं तो अगर हम नीचे वाले लिंक को देख के करें तो ये आंसर गलत आ जाएगा द आंसर विल कम आउट टू बी द रॉन्ग आंसर हमको ऊपर वाले लिंक को देखना है क्योंकि हमको मैक्सिमम लिंक यूटिलाइजेशन निकालना है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ऊपर वाले लिंक को हमको डेटा पैकेट से भरना पड़ेगा ओके लेट्स फिगर आउट हाउ मेनी डेटा पैकेट कैन द अपर लिंक द सेंडर टू रिसीवर होल्ड एक पैकेट का साइज कितना है डेटा पैकेट का हंड्रेड बिट्स का साइज है चलो बैंडविथ डिले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं ऊपर वाले लिंक का साइज कितना है बाल्टी में पानी कितना रहेगा वो हो गया फाइव हंड्रेड इंटू टेंट दिक्स बिट्स पर सेकेंड इंटू टेन मिली सेकेंड जो कि टेन इंटू ट्वेंटी पवर माइनस थ्री सेकेंड कितना आ गया इसका आंसर इसका आंसर है फाइव जीरो 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 बिट्स अच्छा इतने सारे बिट्स ये ऊपर के लिंक में रह सकते हैं कैन स्टोर दोज मेनी बिट्स हियर डेटा पैकेट का साइज कितना है हंड्रेड बिट्स तो डिवाइड कर लो ये जो आंसर आ गया यह है फिफ्टी थाउजेंड पैकेट ठीक है ये कितना हंड्रेड बिट्स पर पैकेट है ना तो बिट्स बिट्स कैंसिल हो गया पैकेट ऊपर आ गया तो ये जो डेटा पैकेट मैंने बनाया यहां पर ऐसे फिफ्टी थाउजेंड पैकेट्स ऊपर रह सकते हैं ठीक है उससे ज्यादा ऊपर फिट नहीं आ सकता अगर लेके करते तो आंसर गलत आ जाता यह फिफ्टी थाउजेंड से बहुत ज्यादा आता क्यों क्योंकि अकनोलेजमेंट का साइज बस ट्वेंटी बेड्स है अगर यह सेम वैल्यू को तुम ट्वेंटी से डिवाइड करते तो पैकेट के साइज बहुत ज्यादा आ जाते मतलब फाइव टाइम्स ज्यादा पैकेट का नंबर आता अकनोलेजमेंट के हिसाब से उसका मतलब क्या यह है कि हम उतना डाटा पैकेट ऊपर भेज सकते हैं नहीं भेज सकते तो ऊपर वाला जो लिंक है वो लिमिटिंग फैक्टर है वो हमको कम वाला नंबर देगा और उतने ही एक्नोलॉजमेंट नीचे आएंगे आ, नीचे जगह खाली रहेगा क्योंकि 20 बिट्स बस है ठीक है वो बात की बात है तो 50,000 जो पैकेट है वो मैक्सिमम हम ऊपर के लिंक में हम भर सकते हैं उससे ज्यादा नहीं भर सकते तो विंडो साइज भी गो बैक एन का उतना ही होगा फिफ्टी ठीक है इससे ज्यादा अगर विंडो का साइज करोगे तो वो ट्राई करेगा उतने सारे पैकेट्स को लिंक पे डालने के लिए लेकिन उससे ज्यादा पैकेट तो लिंक के अंदर रह नहीं सकता एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम और इसमें पूछा है कि वॉट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एम दैट यू मस्ट चूज इन दिस केस हमको पता है कि जो मैक्सिमम विंडो साइज हो सकता है विंडो साइज जो मैक्स हो सकता है गो बैक एन केस में वो क्या हो सकता है वो लेस देन इक्वल टू 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 दावर एम -1 होना चाहिए ठीक है वो मैक्सिमम इतना हो सकता है तो फिर यहां पे हमको एम का मिनिमम वैल्यू चाहिए को तो कितना भी बढ़ा ले सकते हो इन इक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई करेगा लेकिन जो मिनिमम वैल्यू ऑफ एम कितना होगा चलो कौन सा पावर ऑफ टू इसके आसपास है मैं तो सोचता हूं कि 16 क्योंकि टूल सिक्सटीन जो है वो सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स है फिफ्टीन कम पड़ जाएगा कुछ कुछ ऐसा कुछ होता है, है, के आसपास है, जो कि कम पड़ जाएगा पचास हजार के ऊपर चाहिए जो नेक्स्ट नंबर तो एम का वैल्यू हम सिक्सटीन ले सकते हैं क्यों क्योंकि इट इज लेस देन इक्वल टू सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स माइनस वन ये ट्रू है तो यहां पर मैं एम इक्वल टू सिक्सटीन जो है ये आंसर बताऊंगा चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इन नेटवर्क यूजिंग द गो बैक एन प्रोटोकॉल विथ एम इक्वल टू सेवन एम इक्वल टू सेवन का क्या मतलब हमारे पास सीक्वेंस नंबर हो सकते हैं जीरो से लेके वन ट्वेंटी सेवन तक क्योंकि टू टू दावर सेवन जो हो गया वो वन ट्वेंटी एट हो गया तो जीरो से वन ट्वेंटी सेवन तक हमारे सीक्वेंस नंबर हो सकते हैं सेंडिंग विंडो का साइज कितना है सेवन ये सेवन जो है

से रिसीवर की तरफ ये डेटा हम भेज देंगे वो 66 है और जो आर एन है जो नेक्स्ट पैकेट टू बी एक्सपेक्टेड है वो 64 है चलो तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिख देते हैं तो मैं पैकेट नंबर यह सेंडिंग साइड है और यह रिसीविंग साइड और मैं यहां पे लिख दिया मैंने चलो पैकेट नंबर 60, 61, 62, 63, 64, सिक्सटी 66 फोर सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन तक मैंने यहां पे लिख दिया रिसीविंग साइड पे भी मैं लिख देता हूँ 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. फोर तो ये ये बोल रहे हैं जो फर्स्ट आउटस्टैंडिंग पैकेट है वो 62 है एस एफ मतलब इसका मतलब ये है कि 60 हमने भेज दिया है उसका एक्नोलेजमेंट भी आ गया है और 61 भी हमने भेज दिया इसका भी एक्नोलॉजमेंट आ गया है तो ये विंडो के बाहर है अभी ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता इनको हम डिलीट भी कर सकते हैं हमको सिक्सटी सिक्सटी वन से कुछ लेना देना नहीं ये भेज दिया इनका अक्नोलेजमेंट भी रिसीवर के तरफ से सेंडर तक आके पहुंच गया है अच्छा जो नेक्स्ट पैकेट टू भी सेंट है वो सिक्सटी सिक्स है मतलब ये पैकेट अभी तक गया नहीं है मतलब हमने ये पैकेट ये पैकेट ये पैकेट ये सारे पैकेट्स भेज दिए सिक्सटी टू से लेके सिक्सटी थ्री तक ये पैकेट्स भेज दिए गए हैं लेकिन इनका अक्नोलेजमेंट अब तक आया नहीं है ठीक है पैकेट्स भेज दिया लेकिन अक्नोलेजमेंट आया नहीं है क्योंकि फर्स्ट आउटस्टैंडिंग पैकेट ये है नेक्स्ट पैकेट टू बी सेंट ये है और जो नेक्स्ट पैकेट एक्सपेक्टेड है मतलब 60 पहुंच गया है 61 पहुंच गया 62 पहुंच गया 63 पहुंच गया इन सबका अकनोलेजमेंट भी रिसीवर ने भेज दिया है सेंडर की तरफ चलो अभी हम ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं वट आर द सीक्वेंस नंबर ऑफ डेटा पैकेट इन ट्रांजिट मतलब ये जो लिंक है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक चलो ये है सेंडर से रिसीवर तक का लिंक और ये हो गया रिसीवर से सेंडर का लिंक तो कौन से कौन से डेटा पैकेट अभी ट्रांजिट में है देखते हैं कौन सा कौन सा अभी ट्रांजिट में है 60 थ्री ये सारे पहुंच गए हैं सिक्सटी फोर भी इसके पास पहुंचा नहीं है सिक्सटी फाइव भी पहुंचा नहीं है यहां पे देखो तो इसने सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव ये दोनों को भेज दिया है लेकिन ये यहां पे पहुंचे नहीं है क्योंकि नेक्स्ट पैकेट जो एक्सपेक्टेड है वो सिक्सटी फोर है सिक्सटी फोर भी आया नहीं रिसीवर के पास सिक्सटी फाइव भी आया नहीं तो ये दो जो पैकेट्स हैं ये अभी भी सेंडर से रिसीवर तक जा रहे हैं वट आर द एक्नोलेजमेंट नंबर कौन से कौन से एक्नोलॉजमेंट पैकेट भेज दिए गए थ्री जिनमेंटी और सिक्सटी वन सेंडर के पास पहुंच गया है क्योंकि सिक्सटी टू फर्स्ट आउटस्टैंडिंग पैकेट है मतलब सिक्सटी और सिक्सटी वन का अक्नोलॉजमेंट सेंडर के पास आ गया है मतलब 62 और 63 का जो एक्नोलमेंट है जो कि रिसीवर ने भेज दिया है वो सेंडर के पास आके पहुंचा नहीं है तो ये 62 और 63 जो है ये एक्ट पैकेट्स ये अभी भी रिसीवर से सेंडर तक आ रहे हैं थैंक यू